नमस्कार, झारखंडी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए झारखंड राज्य के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 बजे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। इस बैठक में लॉकडाउन बढ़ाने के बारे में चर्चा हो सकती है। भारत में लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई को समाप्त हो रहा है। ऐसे में हम आपको बता दें कि कई राज्य अभी भी लॉकडाउन हटाने के पक्ष में नहीं हैं। राज्यों के मुख्यमंत्रियों का कहना है कि मजदूर घर वापसी हो रहे हैं, ऐसे में पूरी तरह से लॉकडाउन हटा देना खतरनाक हो सकता है। हालांकि कुछ राज्यों ने अपने यहाँ 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दी है। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार आज जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, देवघर, पाकुड़ जिले के कुछ भागों में मेघगर्जन होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इन जिलों में वज्रपात के साथ ओले गिरने की भी संभावना जताई है। झारखंड में आज से होगी दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ाई। खबरों के अनुसार राज्य भर में आज से स्कूलों के बच्चे अब दूरदर्शन झारखंड पर पढ़ाई करेंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक झारखंड राज्य शिक्षा परियोजना परिषद है। इसके तहत आज 11 मई से सप्ताह में 5 दिनों तक 3 घंटा टीवी पर पढ़ाई होगी। कक्षा 1 से लेकर 12 तक के विद्यार्थी दूरदर्शन के माध्यम से सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक और दोपहर 1 से लेकर 2 बजे के बीच डिजिटल कंटेंट के माध्यम से पढ़ाई करेंगे। इसे डीडी फ्री डिश में 79 और डिश टीवी में 1566 नंबर चैनल पर देखा जा सकता है। साथ ही यूट्यूब चैनल पर डीडी झारखंड पर देखा जा सकता है। झारखंड में आज एक नए संक्रमितों की पुष्टि हुई जो हजारीबाग से हैं। झारखंड में संक्रमितों की संख्या 156 से बढ़कर 157 हो गई, जबकि 78 लोग स्वस्थ हुए और 3 की मृत्यु हुई। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 67,161 है, जबकि 20,969 लोग स्वस्थ हुए और 2,212 लोग की मृत्यु हुई। तेलंगाना में फंसे मजदूरों के लिए बस सेवा शुरू। खबरों के अनुसार झारखंड के मजदूर जो तेलंगाना में फंसे हुए हैं और वे झारखंड लौटना चाहते हैं, उनके लिए बस सेवा शुरू कर दी गई है। बीते दिन 10 मई को तेलंगाना से 2 बस में 95 मजदूर छत्तीसगढ़ सीमा होते हुए झारखंड के गढ़वा जिला पहुंचे। जो मजदूर झारखंड वापसी चाहते हैं, उन्हें पंजीकरण करना आवश्यक है। पंजीकरण के बाद ही आपको मोबाइल पर SMS के द्वारा सूचना मिलेगी। CCL प्रबंधक ने आपदा राहत कोष में दिए 10 लाख रुपये। खबरों के अनुसार संक्रमण से लड़ने के लिए CCL प्रबंधक NK ने रांची जिला आपदा राहत कोष में 10 लाख रुपये जमा कराया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में जरूरतमंदों की सहायता के लिए खाद्य सामग्री, मास्क का वितरण आदि जरूरी कार्यों के लिए राशि जमा कराई है। पलामू जिला के 29 लोग हैदराबाद से पैदल पहुंचे। खबरों के अनुसार जान जोखिम में डालकर मजदूर झारखंड पलायन कर रहे हैं। तेलंगाना के हैदराबाद से 29 प्रवासी मजदूर पैदल चलकर झारखंड के पलामू जिला स्थित मेदिनीनगर पहुंचे। पलामू जिला पुलिस की नज़र उन पर तब पड़ी जब वे मेदिनीनगर के कोयल नदी के तट पर छाव में आराम कर रहे थे। होटल, लॉज, गेस्ट हाउस में भी बनेंगे क्वारंटाइन सेंटर। खबरों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन कुलकर्णी ने सभी उपायुक्त को पत्र लिख निर्देश दिया है कि अपने अपने जिला में स्थित होटल, लॉज, टूरिस्ट गेस्ट हाउस आदि को आइसोलेशन और क्वारंटाइन सेंटर में बदले। भारत सरकार द्वारा कहा गया है कि लॉकडाउन की वजह से खाली है, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। शिक्षकों ने किया 7वां वेतन की मांग। खबरों के अनुसार राज्य के सेवानिवृत्त शिक्षकों ने राज्य सरकार से 7वां वेतन के तहत पेंशन भुगतान करने की मांग की है। सेवानिवृत्त शिक्षक संघ के अध्यक्ष ने कहा है कि झारखंड सरकार बीबी के सेवानिवृत्त शिक्षकों के साथ अमानवीय व्यवहार कर रही है। प्रत्येक सेवानिवृत्त शिक्षक का सरकार के पास 15-15 लाख रुपये बकाया है, सरकार शीघ्र भुगतान करे। कक्षा 8 व 9 का रिजल्ट जल्द होगा जारी। खबरों के अनुसार स्कूली शिक्षा व सशक्तता विभाग के प्रधान सचिव AP सिंह ने कहा है कि CBSE बोर्ड से पहले जैक बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। कक्षा 8 व 9 का रिजल्ट इसी माह मई में जारी होगा, जबकि मैट्रिक व इंटर का रिजल्ट जून के अंत व जुलाई के पहली सप्ताह तक जारी हो जाएगा। झारखंड व पश्चिम बंगाल आने जाने के लिए 2 पास की जरूरत। खबरों के अनुसार संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल व झारखंड आने जाने वालों के लिए 2 एंट्री पास की आवश्यकता होगी। यदि किसी को झारखंड से पश्चिम बंगाल जाना है तो उसे झारखंड और पश्चिम बंगाल से भी एंट्री पास लेना होगा। इधर देखा जाए तो बीते दिन बंगाल सीमा से बस के द्वारा मजदूरों को झारखंड भेजा गया है। गढ़वा जिला में बीते दिन 20 मरीजों मिलने के बाद प्रशासन की परेशानी बढ़ गई है।
जिला उपायुक्त हर्ष मंगला ने लॉकडाउन में सख्ती बढ़ाने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने खुद मजदूरों को क्वारंटाइन करने के लिए मेराल स्थित अस्पताल पहुंचे। उन्होंने मजदूरों की संख्या अधिक होने पर अतिरिक्त मजदूरों को रहने के लिए स्थानीय AIED भवन का निरीक्षण किया। ई पास बनने के बाद SMS और ईमेल नहीं मिलने पर आवेदक हो रहे परेशान। खबरों के अनुसार झारखंड में ई पास बनाने के लिए जारी लिंक epassjharkhand.nic.in पर आवेदक द्वारा आवेदन देने के बाद आवेदक की स्थिति चेक कर पाना मुश्किल है। आवेदक को न ही SMS द्वारा सूचना मिल पा रहा है और न ही ईमेल के द्वारा। ऐसे में आवेदक बार बार स्थिति चेक करने के लिए परेशान है, जबकि अन्य पड़ोसी राज्यों में SMS और ईमेल के माध्यम से ई पास बनने की जानकारी दी जा रही है। भाजपा ने 8 शहरी निकाय को प्रशासनिक अधिकारियों के हवाले करने का किया विरोध। खबरों के अनुसार बाबूलाल मरांडी ने 8 शहरी निकायों को प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपे जाने की तैयारी का विरोध किया है। श्री मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखा और उसमें अपना विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने लिखा है कि संक्रमण संकट के सामान्य होने तक चुनाव प्रक्रिया को स्थगित किया जाए। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ अभियान शुरू। खबरों के अनुसार बीते दिन पलामू जिला में एक क्रेशर प्लांट पर हमला होने के बाद झारखंड और बिहार पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। इसमें CRPF के जवान भी सम्मिलित हैं। पलामू पुलिस औरंगाबाद के पुलिस के संपर्क में है। मजदूरों के लिए खुशखबरी, 12 मई से ट्रेन सेवा शुरू। आज शाम 4 बजे से कर सकेंगे ऑनलाइन टिकट की बुकिंग। खबरों के अनुसार रेलवे ने 12 मई से प्रतिदिन 30 ट्रेनें चलाने जा रही है, जिसका ऑनलाइन टिकट बुकिंग आज शाम 4 बजे से शुरू हो जाएगा। मोदी सरकार ने देश भर में ट्रेनों का संचालन शुरू करने का निर्णय किया है। यह ट्रेन सभी राज्यों में चलेगी। इन ट्रेनों को दिल्ली, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, झारखंड के रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मड़गांव, मुंबई, अहमदाबाद और जम्मू तवी को जोड़ने वाली ट्रेनों को विशेष ट्रेन के रूप में चलाया जाएगा। यह ट्रेन अप और डाउन दोनों में उपलब्ध होगा। इसके साथ ही प्रतिदिन 300 श्रमिक स्पेशल ट्रेन का भी संचालन होगा। टिकट बुकिंग के लिए टिकट काउंटर नहीं खोला जाएगा। यात्री को ऑनलाइन टिकट बुकिंग करना होगा, जो आज शाम 4 बजे से उपलब्ध होगा। निजी स्कूल फीस निर्धारण को लेकर 13 दिन बाद भी नहीं बन पाया कमेटी। खबरों के अनुसार शिक्षा मंत्री ने निजी स्कूल को फीस हर हाल में माफ करने का निर्देश दिया है, जिसको लेकर कमेटी गठन होना था, लेकिन आज 13 दिन बाद भी कमेटी का गठन नहीं हो पाया है। ऐसे में 1 माह के अंदर रिपोर्ट दे पाना संभव नहीं लग रहा है। मच्छर मारने का कार्य आज से शुरू। खबरों के अनुसार रांची नगर निगम में आज से मच्छर मारने का अभियान शुरू कर दिया गया है। इसके तहत 53 वार्डों का रोस्टर तैयार किया गया है। पलामू में गुजरात से 14 संदिग्ध मजदूर पहुंचे। खबरों के अनुसार सूरत, गुजरात एवं तेलंगाना से पहुंचे 81 मजदूरों की रंका में स्वास्थ्य जांच की गई। इसमें सूरत से आए 14 मजदूरों में संक्रमण का लक्षण लगा। सभी पलामू जिला के रहने वाले हैं। सभी को एम्बुलेंस के द्वारा सदर अस्पताल मेदिनीनगर भेज दिया गया है। हजारीबाग जिला में मिला एक बार फिर संक्रमित पॉजिटिव व्यक्ति। खबरों के अनुसार हजारीबाग जिला संक्रमण मुक्त हो चुका था। यहां के 3 मरीज का रिपोर्ट निगेटिव आया था, लेकिन कल शाम के रिपोर्ट के अनुसार हजारीबाग में एक और संक्रमण की पुष्टि हुई। ऐसे में हजारीबाग में कुल 4 संक्रमित हुए, जिसमें 3 पूरी तरह से स्वस्थ हैं। हिंदपीढ़ी से जारी पास रद्द, आवेदक पर FIR दर्ज। खबरों के अनुसार हिंदपीढ़ी से लोहरदगा जाने का ई पास रद्द कर दिया गया है। साथ ही आवेदक पर FIR भी दर्ज किया गया है। नियम के अनुसार किसी भी हॉट स्पॉट इलाके से किसी भी व्यक्ति को पास देने की अनुमति नहीं है। वित्त मंत्री का सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ आज बैठक। खबरों के अनुसार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुख्य अधिकारियों के साथ बैठक करेंगी, जिसमें कर्ज के उठाव की स्थिति सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। मदर्स डे पर मुख्यमंत्री ने शेयर की मां की तस्वीरें। खबरों के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्यवासियों को 10 मई को मदर्स डे पर शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट पर फोटो ट्वीट किया, जिसमें अपने मां से हाथों से कुछ खा पी रहे थे। धनबाद जिला में ठेका मजदूर ने की खुदकुशी। खबरों के अनुसार लॉकडाउन में फंसे पश्चिम बंगाल का ठेका मजदूर धनबाद में खुदकुशी कर लिया।
उसके साथियों मजदूरों ने बताया कि वह अपने परिवार से मिलने बंगाल जाना चाहता था। आपके नाम छोटा संदेश। जो भी मजदूर छात्र झारखंड लौटना चाहते हैं आज शाम 4 बजे से टिकट रिजर्वेशन अवश्य करा ले। टिकट रिजर्वेशन के लिए आप www.irctc.co.in पर विजिट कर सकते हैं, क्योंकि रेलवे ने साफ कर दिया है कि टिकट काउंटर बंद रहेगी। आप चाहे जिस भी राज्य में हो, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, केरल आदि, आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही फर्जी साइट और फर्जी लोगों से बचे, आपकी सुरक्षा हमारी सुरक्षा होगी। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर शेयर करें और आप हमें कॉमेंट में अपना राय अवश्य दें। थैंक यू।